नगर परिषद सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष के बाद अब वहां के उपाध्यक्ष के खिलाफ भी पार्षदों ने जिला प्रशासन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। काफी समय से सियासी समीकरणों के झूले में झूल रही नगर परिषद सुजानपुर अभी तक बिना अध्यक्ष के चल रही है। ऐसे में अब उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि अच्छे संकेत नहीं लगते। नगर परिषद सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर खींचातानी बढ़ती जा रही है। नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष के बाद अब वहां के उपाध्यक्ष के खिलाफ भी पार्षदों ने जिला प्रशासन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। काफी समय से सियासी समीकरणों के झूले में झूल रही नगर परिषद सुजानपुर अभी तक बिना अध्यक्ष के चल रही है। ऐसे में अब उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि अच्छे संकेत नहीं लगते। नगर परिषद के 9 में से 5 पार्षदों ने एडीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर उपाध्यक्ष को हटाने की मांग की है। इन 5 में से 2 कांग्रेस के पार्षद हैं और 3 पार्षद बीजेपी के समर्थित हैं। एडीसी रतन गौतम के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वालों में भाजपा समर्थित वार्ड नंबर 6 के पार्षद अशोक मेहरा, वार्ड नंबर 9 से रेणु गुप्ता, वार्ड नंबर 8 से ज्योति शर्मा, कांग्रेस समर्थित पार्षदों में वार्ड नंबर 3 से मनोज ठाकुर और वार्ड नंबर 5 से अनीता कुमारी शामिल हैं। पांचों पार्षदों ने एडीसी रतन गौतम के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। पार्षदों ने कार्यालय में पहुंचकर नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी को उनके पद से उतारने की मांग की। बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष अशोक मेहरा के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जानकारी के मुताबिक 5 पार्षदों ने नगर परिषद सुजानपुर के उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। गौरतलब है कि 1 महीना पहले नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी के साथ साथ वार्ड नंबर 1 से रमन भटनागर, वार्ड नंबर 7 से सुमन, वार्ड नंबर 3 से मनोज और 5 से अनीता कुमारी ने नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजा था। पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद मनोज ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर नगर परिषद में 2 ही कांग्रेस के समर्थित पार्षद हैं और पहले भी कार्य प्रणाली सुचारू ढंग से चले इसलिए समर्थन दिया गया था, लेकिन अब आपसी खींचातान के चलते काम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते उपाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की जा रही है। तो सर इनकी राजनीति अपनी, हम तो कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने पहले भी हमारे समर्थन मांगा था, हमने इनको दे दिया। आज उन्होंने बोला कि उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है और आपका समर्थन चाहिए। हम, मैं और अनीता पांच नंबर के अपने को समर्थन दे रहे हैं। आगे की राजनीति है और रणनीति है तय। वहाँ पे कितने कांग्रेस समर्थित पार्षद? 2, एक आप हैं और एक अनीता जी, इसके अलावा सब भाजपा के हैं। जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि मेरे कार्यकाल के दौरान रखे गए प्रस्तावों पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है और उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली प्रश्नों के घेरे में चल रही है, जिसके कारण उपाध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। उस टाइम मैंने कम से कम सब वार्ड पंचों को पूछ करके कम से कम 50 लाख से कम और 1.5 महीना हो गया सरकारी रूप में, अभी तक वो काम नहीं लगे। सुजानपुर जितना भी विकास है वो ठप हो चुके हैं, उनकी कार्य प्रणाली से हम खुश नहीं, इसलिए हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनाए। वो आगे अपने मनुष्य बना के जिसको हम चाह रहे हैं। किसके खिलाफ ला रहे हैं आप? उपाध्यक्ष के खिलाफ, कमलेश कुमार। एडीसी रतन गौतम ने कहा कि नगर परिषद सुजानपुर के नुमाइंदे उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं और इसमें नियमानुसार जो भी कार्यवाही बनती है वह अमल में लाई जाएगी। आज नगरपालिका सुजानपुर के उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों के द्वारा एक ज्ञापन जो है प्रस्तुत किया गया है और उन सभी ने ये हस्ताक्षर करके आज कार्यालय में प्रस्तुत किया है। इसके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी।